हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग. सो होप ऑल आर यू डूइंग वेल. सो गाइज, ये मतलब मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ ऐसे ही सेल्फ वाली. वैसे मैंने बनाई नहीं है ऐसे. और जो मैंने अभी रिसेंटली एक ब्लॉग अपलोड किया था वो पुराना था, मतलब बहुत पहले मैंने रिकॉर्ड किया था बट टाइम नहीं मिल पाता और मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था तो मैंने नहीं रिकॉर्ड कर पाई. सो आज हम बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा वायरल है. अभी यूट्यूब पे देखो तो वही वीडियोज़ हैं, इंस्टा पे देखो तो वही वीडियोज़ हैं, स्नैप पे भी वही वीडियोज़ हैं, मौज पे भी वही वीडियोज़ हैं. सो वो है कौन सा, कोई पता है? अंबानी भी. रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड? नो, इन इंडिया. हाँ, वर्ल्ड में तो 11th नंबर पे है. हाँ. सो गाइज, 100 करोड़ रुपए शादी, 100 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं. अगर आस पास मतलब अगर इतने में शादी करवाते ना अम्बानी, कितनी लड़कियों की दुआई मिल जाती है उन्हें. कम से कम कितनी मिले लो मजा हो. 500,000 शादियां तो ऐसे, वो भी बहुत अच्छी अच्छी विद कार के साथ. तो अब देख लो ये, अब ये सीन देख लो. भाई रिहाना को बुला लिया, मतलब उसने कहा था कि उसे कोई अफोर्ड नहीं कर सकता. और अंबानी ये सोच के छोड़ दे कि भाई, मुझे तो एक बार का ऐसा लग रहा है कि प्री वेडिंग नहीं है, ये उन लोगों की धज्जियाँ उड़ाने के लिए लोगों को बुलाया है. जो लोग ये कह सकते हैं मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते, मुझे ये नहीं कर सकते, जैसे बॉलीवुड के स्टारों की कुछ होगी तो बैंड बजा के रख दिया उन्होंने, जैसे कि तीन वो खान्स, उन्हें कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, उन्होंने प्री वेडिंग में बुला लिया. वो भी नचवा रहे हैं. भाई साहब, पैसा हो तो मतलब कोई भी उंगली पे गया ऐसे नाचो, नाखूनों पे नचा दो. भाई पैसा कमाओ, फेम, शकल, सूरत सब एक साइड धरी रह जाएगी. पर अगर इंसान के पास पैसा है और वो गाड़ी से उतर रहा है अच्छी खासी में, सब देखेंगे भाई गाड़ी है, पैसा है, कोई शकल वकल नहीं देखेगा, कोई क्या है कुछ भी नहीं देखेगा. सेम अब उसी देख लो अनंत को, कमेंट में उसके कमेंट सेक्शन में ये है, हाथी का बच्चा, मोटू, फलांद, घर पे बोझ, धरती पे बोझ, यानी क्या क्या कमेंट आ रहे. तो गाइस, एज ए ह्यूमन नेचर अगर मैं कहूँ तो किसी की इतनी बुराई नहीं करनी चाहिए, बट हाँ वो है यार हाथी का बच्चा, कितना गोलू मोलूस है, क्यूट भी है. हाँ लड़कियाँ तो क्यूट कहेंगी भाई, इतना पैसा है, किसी के पास पैसा और मोटा हो कोई दिक्कत नहीं है यार, शादी कर लो, पैसा आ रहा है सबसे बढ़िया. दिखा भाई कितनी सुंदर है, उसे कोई भी मिल जाएगा, कोई सेलिब्रिटी भी मिल जाएगा, लंबा चौड़ा 6 फुट का अच्छा खासा बॉडी बिल्डर. अब पता नहीं क्या ही ऐसी दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट वाली बात रही होगी जो उसे मुझसे शादी करनी पड़ गई. आपने वाली वीडियो देखी हायो मेरे डाडे रबा कि ना जमिया कि ना ने ले जानिया हो, हायो मेरे डाडे रबा कि ना जमिया कि ना ने सात जन्म नहीं, 14 जन्म नहीं, 21 नहीं, पता नहीं 28, 27, 35, पता नहीं कितने जन्मों के हैं जो अब जाके मिल रहे हैं. इतना टाइट हक कर रखा है, करे जा रहे, छोड़ ही नहीं रहे. और वो लड़की आगे निकल लो मेरी माते में, फोरहेड किस कर लो, भाई कर रही तो कर ली, और क्या उसके मुँह में घुसेगी क्या अब? क्या है यार, क्या है, ठीक है रखो ना, बस दुनिया क्यों शोर है कर रहे हो, ठीक है चलो यार. भाई लोगों को पता है कि उस बंदे को बीमारी है, क्या दमा वमा कुछ बताया था उसकी मॉम ने कि हाँ उसे ये बीमारी है, अनंत को. ये मेरा भाई बीच में जरूर बोलेगा तो स्किप नहीं करूँगी, इसे भी ऐड कर दूँगी. हाँ तो उसे बीमारी है, वो हो नहीं सकता, पतला बेचारे ने उसने कोशिश भी करी है पर कोशिश करने के बाद भी कोई सफलता नहीं मिली. हाँ मतलब कि उसने वेट लूज़ कर लिया था, बिल्कुल फिट हो गया था, बट उसकी हैवी मेडिसिन डाइट की वजह से वो बेचारा फिर ऐसे ही हो गया. क्या ही गलती है उसकी, बंदी अगर ऐसी हो, कुछ ना देख रही हो, प्यार कर रही हो, तो लोग तो वैसे ही पागल हो जाएंगे. आजकल ऐसा कहाँ मिलता है, सब मरते हैं सकल सूरत पैसों पे, सभी मरते हैं. हाँ सभी मरते हैं. और दूसरी चीज़ कौन कौन, और बाकी सारे भाई वो जानवी कपूर रिहाना के साथ ये शो कर रही है ना आज के, कि हाँ भाई मुझे ही सार कास्ट कर लेते, मतलब मुझे ही कास्ट कर लेते, जो इतने पैसे रिहाना को दिए, पता नहीं कितने ही करोड़ दिए, कितने करोड़ दिए, मतलब जितने भी पैसे दिए हैं, तो जानवी ये प्रूफ कर रही है कि
उससे ज्यादा अच्छा और इसके जैसे, इससे ज्यादा कई गुना अच्छा और इसके जैसे, तो मैं ऐसे ही नाच लूँ बिना प्रैक्टिस के, तो इससे ज्यादा दो गुना उसका 2% क्या 50% भी दे देते तो जानवी तो पता नहीं कैसे करके ही नाचती। और बाकी सब लोग इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी भाई, जिन्हें हम सोच भी नहीं सकते कि ये लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे, वो लोग भी कोई सर्विंग, भाई राधिका सर्व कर रही है, बाकी सब खिला रहे हैं, नाच रहे हैं, पी रहे हैं, मतलब हर कोई आया, बस एक बंदा नहीं आया, विराट कोहली। लोग उसे ट्रोल भी कर रहे हैं कि ये क्यों नहीं आया, इसे शायद फेम पसंद नहीं आया ये भी, तो मैं भी जहाँ तक पता है लोगों को कि उसका बेबी हुआ है, सो उसके नामकरण और वगैरह वगैरह की वजह से वो नहीं आया। सो गाइज, और उसमें एक खबर आई थी क्या, मतलब इतना मोटा पैसा खर्च कर दिया, और उसमें वो तो चलो छोड़ो, दीपिका रणवीर आए थे, दीपिका उसे पता चला प्रेग्नेंट है, अंबानी इसकी शादी में चलो पता चला अच्छी बात है, बट उसे क्या प्रेग्नेंट दीपिका क्या है ये भाई, उसका सरनेम हैगा, उसका सरनेम यूज़ करो, प्रेग्नेंट क्या उसका नाम रख दिया है? क्या लोग है यार, ऊपर से कमेंट, और कमेंट सेक्शन खोल के बैठा, कमेंट सेक्शन खोल के, मतलब मैं एक बार कमेंट सेक्शन में किसी के में चले जाऊँ ना, मैं कह रही हूँ भाई क्या है, उसके रिप्लाई 300-400 तो उसके रिप्लाई, और ऐसे रिप्लाई, मोटू भैंस सांड, उसे पुहूर की परी मिल गई, जन्नत मिल गई, ये मिल गई, भाई ये भी तो देखो उसके पास कितना पैसा है, तुम्हारा खानदान बिक जाएगा इतना पैसा है उसके पास, तो कोई बंदी कैसे नहीं आएगी, उसे भी ट्रोल कर दिया। अम्बानी खान्स को खरीद लिया, रिहाना नचा दी, प्री वेडिंग है भाई, 4-5 महीने है अभी, जून जुलाई में उनकी वेडिंग है, ये बॉलीवुड तो गया, अब हॉलीवुड जाने वाला है, हॉलीवुड में पता चल रहा है दीपिका, वो क्या नाम है उसका, प्रियंका चोपड़ा आ रही है विद अपने हस्बैंड निक जोनस के साथ, वो बेबी भी ऐसे करते हुए पता चली है जब वो... और पता चले ऐसी के बाद में जब इंस्टाग्राम बंद होने वाला तो मार्क जकरबर्ग वो सही कर रहा है, मतलब कितनी रील चली उसमें, क्या यू सही कर रही है, मतलब कह निकल गया मार्क जकरबर्ग है भाई, कितना पैसा है, हर चीज पैसा पैसा भाई, सब कुछ पैसा ही है, पैसे के पीछे भागो और किसी चीज़ मत भागो, दोस्ती यारी सब एक साइड, पैसा, लौंडे तो खैर बहुत अच्छे ही होते हैं, लौंडे तो दोस्ती पहले सपोर्ट करते हैं, तो लौंडों की दोस्ती को तो मेरा सल्यूट है ही। वैसे मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं और कुछ बोल नहीं पाऊंगी, मैंने सोचा था कॉमेडी वीडियो बनाऊंगी यार, रोस्ट करूंगी, रोस्ट के चक्कर में पता नहीं या मेरी तबीयत खराब है शायद, मुझे इस वजह से रोस्ट नहीं हो पाया, या मैंने कोशिश कर ली भाई, मुझे रोस्ट करना नहीं आता, तो गाइस मुझे थोड़े कमेंट करके बताना कि इंसान को रोस्ट कैसे करते हैं, सो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वैसे मेरी तबीयत खराब है यार, प्लीज़ मोनिटाइज करवा दो मेरे चैनल, गाइस मेरा चैनल जो है लगभग मोनिटाइज हो चुका है, सो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, बस कुछ जो पेमेंट होती है कि कुछ व्यूज़ कम आया है तो वो और हो जाएंगे, तो फिर मेरी पेमेंट आने लगेगी, तो बस थोड़ा सा सपोर्ट, लव, प्यार, अच्छा सा पैसा खा दो, जरूरी है, आई नीड इट, पैसा, बाय, लव यू, पैसा।